जब शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो हमें खरीदना चाहिए, और जब शेयर का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है तब हमें वेट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है तब उसको खरीद लेते हैं, भले ही वो स्टॉक 2 रुपये की जगह 4 रुपये में मिल जाए लेकिन उसको खरीदेंगे। लेकिन उनको ये फील नहीं होता है कि मैंने जो भी खरीदा है, जो भी प्रोडक्ट खरीदा है वो महंगा है, मतलब जो मेरे एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा मैंने पे कर दिए हैं, तो वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। दोस्तों, मैंने रिलायंस के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, जब उसका प्राइस डिक्रीज होता था, जब भी उसके शेयर्स में गिरावट होती थी, तब मैंने हर एक प्राइस पर आपको बोला था कि रिलायंस को आपको खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो भी देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री धमाकेदार प्रॉफिट की तैयारी यहां पर देख सकते हो, पहला वीडियो, और उसके बाद मैं देखिए आपको सारा यहां पर दिखा देता हूं। और ये देखिए 5 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने साफ साफ लिखा है रिलायंस इंडस्ट्री बाय इट टारगेट लेवल 5 दिन पहले। और दोस्तों, आपको पता है कि लास्ट वीक में जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा था, रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा था, और लोग बस यही वीडियो बनाते जा रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्री में इतना गिरावट आ रहा है। और उसके बाद फिर से देख सकते हैं, 1 वीक पहले मैंने साफ साफ लिखा था टाटा मोटर और रिलायंस इंडस्ट्री अब उगलेगा सोना, लेकिन अब उगलेगा सोना आप देखिए। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है लेकिन आपके हाथ नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला, ये इसके बारे में मैं शाम को वीडियो अपलोड मार दूंगा। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस देख ले रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1581 जो चल रहा है इसका, रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट ओपन होते ही आपको अच्छा खासा बाउंस बैक देखा जाएगा। और शाम तक भी दोस्तों ये शेयर जो है दो चार दिन में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने वाला है, मतलब कि ये स्टॉक हमारे हाथ से, मतलब जिन्होंने नहीं खरीदा उनके हाथ से निकल गया। जो हमारे पास सर्विस लेते हैं उनको तो पहले से पकड़ है, लेकिन जो नहीं लेते हैं दोस्तों, जब शेयर का प्राइस गिर रहा था तब नहीं खरीदे, तो अब जो है ये शेयर बहुत तेजी से भागने वाला है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री है दोस्तों कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। अगर शेयर मार्केट भी थोड़ा बहुत इस पर डिपेंड रहता है तो सोचिए ये कितना बड़ा, अगर ये शेयर में गिरावट आती है तो पूरे मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है, तो ऐसे शेयर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ ये वीडियो के कंक्लूजन के साथ कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का इंक्रीज होने वाला है। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मार्केट जस्ट ओपन ही होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री कहां से कहां जंप मारता है। ये 1600 का लेवल तोड़ के दोस्तों 1650, मतलब 1650 के आसपास जाने का कोशिश करेगा।